करनाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इस बीच किसान नेता राजेंद्र आर्य से बात की गई और जाना गया कि किसानों का उन्हें कितना समर्थन मिल रहा है। इसी दौरान उन्होंने करनाल के 2018 के नगर निगम के चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि इस बार के चुनाव रोमांच भरे होने वाले हैं। रफ्तार मीडिया से बातचीत करते हुए राजेंद्र आर्य ने कहा कि अब की बार जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है। करनाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तो तेज हो गई है। उसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में उतरे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में उतरे हैं। उसी बीच किसान नेता राजेंद्र आर्य जो दादूपुर के रहने वाले हैं वो भी मैदान में उतरे और आजाद प्रत्याशी के तौर पर ये मैदान में उतरे। इनसे हम बातचीत करेंगे कि जो उपचुनाव होने जा रहे हैं किस तरीके से लोगों का इनको समर्थन मिल रहा है और आखिरकार किसान नेता होने के बावजूद ये चुनाव मैदान में उतरे हैं तो किसानों का इनको कितना समर्थन मिल रहा है। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा उपचुनाव जो ये करनाल में होने जा रहा है, आपके सामने दो दो कदावर नेता चुनाव लड़ रहे हैं और आपका ये पहला चुनाव है, तो जनता का कैसे समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए जनता का बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है और रोज नए नए लोग जिनको मैं जानता नहीं था, जिनको मैं पहचानता नहीं था, जो पिछले 20 साल से मेरे संघर्ष को देख रहे थे और जो मैंने ये साहस किया, लोग कहते हैं भाई आपने मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ उपचुनाव लड़ने का जो साहस किया, इसकी वजह से एक बहुत नई टीम बनी है और सभी पूरे प्रदेश के किसानों की ये सोच थी, खापों की सोच थी, गाँव देहात छोटा अड़ती मुनीम पल्लेदार सबकी ये सोच थी। वो जो सरकार हरियाणा में यहाँ 9.5 साल से जोर और जबर और जुल्म पे उतर आई है उसके खिलाफ एक गांव देहात के नौजवान को, किसान नेता को खापों के आशीर्वाद से एक चुनाव में लड़ना चाहिए, तो ऐसी सोशल मीडिया पे भी बात थी, कई मीटिंगों में भी बात हुई, कई और साथियों के भी बाहर से भी सुझाव आए, तो कुल मिला के ये फैसला हुआ भी आपको चुनाव लड़ना चाहिए और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा और अब मुझे चारों तरफ से पूरा समर्थन मिल रहा है और आम जनता के साथ साथ मुझे समर्थन मिल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के असंतुष्टों के समेत जो सभी विपक्षी दल हैं उनका मुझे पूरे तरीके से समर्थन मिल रहा है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने करनाल लोकसभा में तो अपना प्रत्याशी दिया है 10 की 10 लोकसभाओं में, पर विधानसभा उपचुनाव में बसपा ने कोई प्रत्याशी नहीं दिया और बहन जी का ये कहना है बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक सांपनाथ और एक नागनाथ, तो जाहिर है बसपा का जो वोटर है सांपनाथ और नागनाथ को तो विधानसभा में वोट नहीं करेगा, जब वो बूथ तक आएगा तो वो बसपा समर्थित किसान नेता राजेंद्र आर्य दादूपुर को वोट देगा। इसी तरीके से एक हरियाणा में नया गठबंधन बना है जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, सर्वित पार्टी और बलराज कुंडू भी उनके साथ हैं। उनके जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं वो मराठा वीरेंद्र वर्मा करनाल लोकसभा से हैं। इन 6 की 6 पार्टियों का जब वोटर जब विधानसभा तक आएगा तो वो कांग्रेस या बीजेपी को तो इसलिए वोट नहीं दे रहा क्योंकि लोकसभा में उनका प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ ही लड़ रहा है, तो वो वोट उन पार्टियों के जो संबंधित लोग हैं वो भी उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है और ये चुनाव इस तरीके से होने जा रहा है जिस तरीके से करनाल 2018 में करनाल में नगर निगम का एक चुनाव हुआ था और उसमें आजाद प्रत्याशी मनोज वधवा को बीजेपी के मेयर उम्मीदवार के सामने जब वो लड़े थे तो सभी विपक्षी दलों ने कांग्रेस समेत मनोज वधवा को समर्थन दिया था और बहुत एक कड़ा मुकाबला हुआ था और इस मुकाबले में मनोहर लाल जी के पसीने छूट गए थे, उनके पैरों की जमीन खिसक गई थी और उन्होंने मीडिया के सामने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में तो अखबार भी छपे हैं, उन्होंने वो जातिवाद पे उतराए थे, उन्होंने कहा था भाई मेरे से बड़ा पंजाबी कौन, भाई मैं सबसे बड़ा पंजाबी हूँ मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने कहा था और उनको गली गली में हाथ जोड़ने पड़े थे मुख्यमंत्री होते हुए भी, और बीजेपी के खिलाफ जो आजाद प्रत्याशी थे सभी दलों के उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के छक्के छुड़ा दिए थे, तो ये इस तरीके का रोमांचक बड़ा चुनाव करनाल में होने जा रहा है।
तो राजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका ये पहला चुनाव है, आप लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, मुद्दे क्या लेके जा रहे हैं आप जनता के बीच? जनता से आप रूबरू भी हो रहे हैं, जनता अपनी समस्याएं भी बता रहे हो कि पिछले 10 सालों में क्या काम यहाँ पर हुए हैं विधानसभा में, क्या काम नहीं हुए, लोगों को समस्याएं भी होंगी, उन समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। तो आपके अपना घोषणा पत्र क्या है यहाँ के लिए? देखिए, जिस तरीके से मैं अपना घोषणा पत्र भी आपको बताऊंगा, पर 9.5 साल के दौरान मनोहर लाल जी करनाल के विधानसभा के या इस इलाके के उत्तरी हरियाणा के या करनाल जिले के ही नहीं हो पाए, तो वो तो रोहतक के हैं बेसिकली, और उन्होंने एक बहाना ले लिया भाई हर जगह मैं समान विकास करूंगा, और इस बहाने के साथ उन्होंने पूरे प्रदेश में कहीं भी विकास नहीं किया। जो भी यहाँ काम हुए हैं वो पिछली सरकार के, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की बात हो करनाल विधानसभा में, वो पिछले सरकार के दौरान घोषित था। तो मनोहर लाल जी का कोई भी एक नया काम, मैं मनोहर लाल जी को, नायब सिंह सैनी को, एक आपके चैनल के माध्यम से खुली डिबेट का न्योता देता हूँ। अगर वो मेरे से डिबेट में जीत जाते हैं तो मैं उनका बिना किसी शर्त के समर्थन करने के लिए तैयार हूँ लोकसभा और विधानसभा में, क्योंकि मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ। जिस तरीके से उनकी एंटी इनकम्बेंसी है, जिस तरीके से वो गाँव में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है, और हर वर्ग में उनका रोष है, तो वो मेरे से डिबेट में नहीं जीत पाएंगे। उनके शासन के चलते पूरे प्रदेश का और पूरे देश का किसान PTSD, पोस्ट ट्रामा स्ट्रेस डिसऑर्डर से का शिकार है, और ये एक गंभीर मानसिक आघोतर एक बीमारी की तरफ पूरे प्रदेश को और देश को ये धकेलने का काम कर रहे हैं, और वयस्क किसानों और मजदूरों में इसका प्रतिशत बढ़ रहा है। और आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा, ये सरकार कितना जोर और जबर कर ले, हम मजबूती से सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। और किसान को मैं ये मानता हूँ, जिस तरीके से चौधरी छोटू राम जी विधानसभा में पहुँच के चंडीगढ़ उन्होंने आवाज़ उठाई थी, जब तक किसानों और मजदूरों के गांव देहात के प्रतिनिधि वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो उनको न्याय नहीं मिलने वाला। कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बलते ले है, राज बिना ना धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले हैं। तो राजेंद्र जी, बात कर लेते हैं, जिस तरीके से आप किसान नेता है, तो किसानों का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? अभी हाल ही में जो है कुरुक्षेत्र की सीट की हम बात कर लेते हैं लोकसभा की, वहां पर गुरनाम सिंह चडूनी ने अपना समर्थन जो है इनेलो को दिया है, तो आपको किसानों का कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, गुरनाम सिंह चडूनी जी ने भी वही, जिस तरीके से मायावती जी कहती हैं, भी सांपनाथ और नागनाथ को तो समर्थन नहीं दिया है, उन्होंने किसान नेता अभय सिंह चौटाला को वहाँ समर्थन दिया है, और यहाँ जो समर्थन दिया है वो बसपा उम्मीदवार को दिया है लोकसभा में, और बसपा उम्मीदवार और गुरनाम सिंह का मुझे विधानसभा में यहाँ पूरा समर्थन है। मैं आर्य समाजी परिवार से संबंधित रखता हूँ, और सर्वहित पार्टी में सभी आर्य समाजी परिवार एकजुट हैं। तो और किसान का मेरा वर्ग से होने के नाते मुझे हर वर्ग का, क्योंकि देश की जो GDP है, जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए किसानी को उद्योग का दर्जा देना पड़ेगा। और किसान, अब मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, भाई BJP तो धर्म के आधार पर भेदभाव करती है, तो उनकी तो वो थॉट है भाई खेती, उन्होंने खेती वैसे सबसे बड़ा उद्योग है, उन्होंने धर्म को सबसे बड़ा देश का उद्योग बनाने का ठेका ले रखा है। और हरियाणा के साथ खास तौर पे हमारा उत्तरी हरियाणा शोषित, वंचित, पीड़ित, प्रताड़ित हर तरीके से रहा है, और हमारा रोड समाज जो है उसको राजनीति के तहत एक जो BC का आरक्षण है हरियाणा में या सेंटर में, उससे वंचित रखा गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नायब सिंह सैनी अगर BC समाज से नहीं होते तो ना तो वो सांसद बन पाते, और ना वो प्रदेश अध्यक्ष बन पाते, ना वो मुख्यमंत्री बन पाते। अगर रोड समाज में उनका जन्म हुआ होता तो वो डोंकी मार के विदेश चले जाते और पता नहीं किन हालातों में होते, पता नहीं जिंदा होते या किस तरीके से होते। तो एक हमारे समाज की, जो मैंने ये बात कही डोंकी वाली, यहाँ एक विडंबना है बड़ी, खास तौर पे करनाल जिले का और पूरे उत्तरी हरियाणा का और हरियाणा का भी पूरा जो गाँव का जो यूथ है वो विदेशों में एक अंधी रेस में भाग रहा है। और इसके लिए सरकार, जो ये 10 साल से मोदी सरकार है और पूरे देश में मनोहर सरकार है, ये पूरे तरीके से जिम्मेवार है। अगर मुझे यहाँ मौका मिला तो मैं एक ऐसी फैसिलिटी बनाऊंगा भी कोई भी हरियाणा का या देश का, हरियाणा का कोई भी नौजवान अगर या बुजुर्ग कोई बाहर जाता है तो वो अपने पासपोर्ट सरकार के पास उसकी कॉपी दे के जाए, अपने डिटेल दे के जाए, और वो विदेश किस देश में जा रहा है, किस पर्पज से जा रहा है, एक नोट करवा के जाए, एक सेंटर ऐसा बने, और
उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो सरकार उसकी जिम्मेवारी उठाए। उसके लिए जिस तरीके से एक फसल बीमा योजना है, प्रीमियम देकर किसान फसल बीमा करवा सकता है, ऐसे ही एक ग्रुप टर्म इंश्योरेंस और ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाया जाए जो विदेश जो लोग जा रहे हैं, अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है ताकि उनके परिवार को बीमा का क्लेम मिल सके और जो बाहर से जो डेड बॉडी वो लेके आते हैं उसका खर्चा बीमा कंपनी वहन करे। अगर कोई सस्ते स्कीम में ऐसी सरकार स्कीम लेके आती है तो लोग जो भी विदेश जा रहे हैं तो वो उस पॉलिसी को जरूर लेंगे। राजेंद्र जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से एडवोकेट्स हरियाणा बनाओ अभियान, एक रणधीर सिंह बदरान जी के नेतृत्व में सभी एडवोकेट सभी जिलों के मिलकर हरियाणा बनाओ अभियान चला रहे हैं, हमारा हाईकोर्ट जो है वो हरियाणा में हो, हरियाणा की राजधानी अलग बने, इसको लेकर उन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई है, तो अगर आप यहाँ से MLA बनते हैं तो इस राजधानी को बनाने के लिए आप क्या कुछ योगदान देंगे? देखिए, मैं सभी एडवोकेट्स जो साथी हैं मेरे उनकी इस बात का समर्थन करता हूं और मैं इस मामले में सहयोग के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। ये हरियाणा की जन जन की आवाज़ है, जायज आवाज़ है। हरियाणा को अभी तक अपना हाईकोर्ट और अपनी राजधानी नहीं मिली है। हरियाणा के साथ भी एक सौतेला व्यवहार हो रहा है और अलग तकरीबन हरियाणा में अगर सारे ट्रिब्यूनल्स के सारे केसेस अगर मिला लिए जाएं तो 45 लाख से ज़्यादा केस आज भी पेंडिंग पड़े हैं। जिस प्रदेश की आबादी 2.5 करोड़ हो और वहाँ 45 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हों तो आप न्याय व्यवस्था का वहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इससे वकीलों को भी फ़ायदा है, जनता को भी फ़ायदा है, जजेस की प्रमोशन में भी लाभ मिलेगा, हरियाणा को अलग से बजट मिलेगा। अगर हाईकोर्ट और राजधानी अगर बनती है तो व्यवसाय भी उससे बढ़ेगा, रोज़गार भी मिलेगा और हरियाणा की डेवलपमेंट में एक ये माइलस्टोन साबित होगा। तो आज के युवाओं से और अपने जो वोटर्स हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं युवाओं से ये अपील करना चाहूँगा, देखिए आप लोक लुभावनी या BJP जो ये फर्स्ट टाइम वोटर की जो बात करती है उनकी बातों में बिल्कुल भी आपको किसी भी कीमत पर नहीं आना है। और जो पार्टी डेवलपमेंट की बात करे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की, GDP की, GNP की जो बात करे, जो रोज़गार की बात करे, जो इकोनॉमी की बात करे, उस बात को देखते हुए आपको वोट देना है और वोट जरूर करना है। और आपके माध्यम से करनाल विधानसभा के वोटर्स को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आने वाली 25 मई को गन्ना किसान जो मेरा सिंबल है उस पर वोट लगाएं और गन्ना किसान को वोट भ्रष्टाचार पर चोट, गन्ना किसान को वोट महंगाई पर चोट, गन्ना किसान को वोट भाई भतीजावाद पर चोट। तो गन्ना एक ऐसी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, किसान की चीज़ है, हर मैं चाहता हूँ उस गन्ने की जो मिठास है हर घर तक पहुंचे, हर रसोई तक पहुंचे। और करनाल की करनाल में मेरा गांव पुस्तैनी गांव दादूपुर जरूर है पर मेरा जन्म करनाल में हुआ है, मेरी रिहाइश करनाल में है, मेरा काम करनाल में है, सारा दिन करनाल में रहता हूं। तो करनाल की जनता अगर मुझे समर्थन देती है तो मैं उनसे ये वादा करता हूं, मैं आपके हर सुख और दुख में मैं परमानेंट जुड़ने के लिए आया हूं। ना माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, ना मैं किसी ज्योतिषी से पूछ कर आया हूँ, ना मैं कहीं आरती करके आया हूँ। मुझे तो करनाल के जो 2.5 लाख वोटर हैं उनकी सेवा करने का मैं आपसे हाथ जोड़ के एक मौका मांगता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका भाई आपका बेटा आपकी विश्वास पर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। तो ये थे हमारे साथ करनाल विधानसभा उपचुनाव से उम्मीदवार आजाद प्रत्याशी किसान नेता राजेंद्र आर्य, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि ये जो चुनाव है अब की बार आजाद उम्मीदवार के तौर पर ये यहाँ से लड़ रहे हैं और लोगों का भी इनको भरपूर समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन ट्विंकल के साथ करनाल से दिव्या राणा, रफ्तार मीडिया।